करण जौहर और कंगना रनौत का याराना कही या फिर दुश्मनी काफी पुरानी है। दोनों ने कई मौकों पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे पर बहुत भड़ास भी निकाली है। कुछ टाइम पहले भी कंगना ने करण जौहर को मूवी माफिया बुला दिया था, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म था। अब जाकर करण जौहर ने एक तरह से कंगना और उनके स्टेटमेंट्स पर पलटवार कर दिया है। जी हाँ, करण जौहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस टाइम काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कंगना के मूवी माफिया वाले स्टेटमेंट पर रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। करण जौहर ने एक बार फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा से इस पर बात भी की थी। करण जौहर ने इस पर बात करते हुए उन्हें कहा था कि उन्होंने कॉफी विद करण में कंगना का ओपिनियन चेहरे पर मुस्कान लिए सुन लिया था। वो इसलिए सुना था क्योंकि वो उनकी मेहमान थी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कंगना शायद अपने बयान का मतलब नहीं समझती होंगी, क्योंकि करण जौहर ने अपनी भांजी, भतीजे, बेटियों और बेटों के साथ काम नहीं किया है। करण ने यह भी आगे कहा कि मैं इस बारे में आज पहली बार बात कर रहा हूं। जब आप किसी को मेहमान के तौर पर बुलाते हो तो आप उनके साथ नम्र रहते हो, इसलिए वहां वो मेरी मेहमान थी, मुझे वो सुनना था जो वो कह रही थी और उन्हें अपने विचार रखने का पूरा राइट था। मुझे नहीं लगता कि वो अपने बयान का पूरा मतलब समझती भी होंगी, क्योंकि नेपोटिज्म क्या है? क्या मैं अपने भतीजे, भांजियों, बेटियों और बेटों के साथ काम कर रहा हूँ? मैंने आलिया भट्ट और वरुण धवन को इंट्रोड्यूस जरूर किया था। सिद्धार्थ मल्होत्रा भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर का ही पार्ट थे, जिनका फिल्मों से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि उनका आखिर मतलब क्या था। करण ने आगे ये भी कहा कि मेरा मतलब है कि मूवी माफिया उनके लिए क्या है? उन्हें क्या लगता है कि हम क्या कर रहे हैं? बैठे हैं और उन्हें काम नहीं दे रहे हैं? क्या ये हमें माफिया बना देता है? नहीं, हम अपनी पसंद से ऐसा करते हैं। मैं उन्हें काम नहीं देता क्योंकि मैं उनके साथ काम करने में फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्या ये हमें मूवी माफिया बना देता है? आपको बता दें कि कंगना रनौत अक्सर करण जौहर पर नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्रिटिसाइज करती आई हैं। वैसे अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब कंगना रनौत से पूछा गया कि करण जौहर से वो इतना पंगा क्यों लेती हैं, तो कंगना रनौत ने कहा कि मैं किसी व्यक्ति के नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ बोलती हूँ। कंगना का मानना है कि करण जौहर कुछ लोगों को प्रिविलेज्ड फील करवाते हैं, क्योंकि वो फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आती है तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी तो उसका भी मजाक बनाया गया था। उन्हें लोगों द्वारा सेकंड क्लास का फील भी करवाया गया था। वो एक लड़ाई लड़ रही हैं और कई लोग भी इस लड़ाई का हिस्सा बन चुके हैं। अब ये तो कंगना ने कह दिया। वैसे शायद आपको याद ही होगा कि 2017 में जब कंगना रनौत कॉफी विद करण के एपिसोड में पहुंची थी, तब उन्होंने करण पर निशाना साधते हुए कह दिया था कि अगर उनकी लाइफ की बायोग्राफी लिखी गई तो उसमें एक चैप्टर नेपोटिज्म का भी होगा, जिसे वो करण जौहर से लिखवाना जरूर चाहेंगी। अब लगता है कि कंगना वर्सेस करण जौहर बहुत लंबे टाइम तक आगे भी चलने वाला है। कोई नहीं, फिलहाल अभी आप हमें जरूर बताइए कि इस जंग में आप किसके साथ हैं और किसके खिलाफ। बाकी अभी के लिए इतना ही गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना, सबके साथ शेयर करना।